हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू मार्शल ट्यूटोरियल्स लाइव सेशन। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिर्ज़ा उबैद। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है वॉइस। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है गाइस। सो मैंने सोचा कि ज़्यादा डिले किए बिना, अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही करीब आ गए हैं, तो ये टॉपिक भी कवर कर लिया जाए। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस दो टाइप की होती है, सबको पता है। एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? सबसे पहले कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें मेरा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? मेरा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और जो मेरा पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट्स को इम्पॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ लो कि कोई काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस देना है तो आप क्या करते हो? एक्टिव वॉइस यूज़ करते हो। और अगर आप इन केस अगर आप समझ लो कि एक लेटर लिख रहे हो और आपको ये इससे लेना देना नहीं कि लेटर किसने लिखा है, बट लेटर लिखा गया है, तो अगर आप उस लेटर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि कब लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, और आप सब्जेक्ट से लेना देना नहीं रखते हो, तो उसमें उस केस में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ और भी डिफरेंस बताए हुए हैं कि जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हमेशा मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और जो पैसिव वॉइस होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही फॉर्म होती है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके साथ ही पैसिव। सो यहाँ पे मैंने दो टाइप के वर्ब्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है आई लव्ड और एक लिखा हुआ है आई लव्ड एट यू। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है वो क्या होता है कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। और जो दूसरा होता है वो मेरा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ क्या करता है? ऑब्जेक्ट को लेता है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब अगर वो ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं तो मेरा पैसिव वॉइस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स को हम इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पैसिव वॉइस के लिए तीसरी कंडीशन है कि ट्रांजिटिव वर्ब होना कंपलसरी है। ओके, इसके बाद हम रूल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, हम वॉइस स्टार्ट करें उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो मेरा पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने कुछ ऐसी ये जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको मैंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़े से एग्जाम्पल्स भी लिख दिए, सो दैट आपको क्या कर रहे हैं, आपको मतलब कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? बाय विच वर्क इज डन, जो क्या करता है, काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आई वी दे यू ही सी इट हु। ठीक है, यहाँ पे और इन सब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ता है? अगर मैं एक्टिव से पैसिव में जाता हूँ तो कन्वर्ट करना पड़ता है। सो आई का बन जाता है मी, वी का बन जाता है अस, दे देम, यू यू, ही हिम, सी हर, इट इट, और हु का हुम हो जाता है। दो ऐसे सब्जेक्ट है जो कन्वर्ट नहीं होते, यू का यू ही रहता है और इट का इट ही रहता है। सो रिमेंबर इट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है और जिसको आप टच कर सकते हो, दे आर ऑल द इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट। वो सब के सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्रिकेट, सॉन्ग, पिज्जा, कार, फोन, पेन, बोर्ड, एक्सेट्रा। ओके, सो जिस पे सब्जेक्ट काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑन विच वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब, जो सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन परफॉर्म करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल, ईट, रीड, राइट, बाय, ब्रिंग, प्ले, सिंग, कम, गो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा मेन वर्ब है। तो ये जो सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ये आपको अगर समझ में आएंगी तो आपको ग्रामर पढ़ने में बहुत ही क्या आएगा? मजा आएगा। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रीपोजिशन,
ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, यही रूल फॉलो होता है अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, एक्सेट्रा, अगर ऐसा कोई प्रीपोजिशन दिया रहता है तो वहाँ पे, वहाँ से क्या स्टार्ट होता है, हमारा अदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। ओके, सो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लिख लेना और याद रखना। आगे के पार्ट में हम जब नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ 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 रिमेंबर इट एंड नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम डायरेक्ट रूल्स पे जंप करेंगे विदाउट एनी डिले। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का, इन तीनों का क्या होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है। और मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्या लिखे हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल्स नहीं लिखे हुए, एग्जांपल्स मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस जितने भी आपके टेंस हैं सबके सब किस में है, एक्टिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर स्टार्ट फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी आपके टेंस हैं वो सब के सब क्या है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो कुछ नया रूल नहीं है सिंपल प्रेजेंट का, एक्टिव वॉइस का रूल वही है जो आपके टेंस का रूल है। सब्जेक्ट मीन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म विथ यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसका पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म, अदर ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अगर आपने नोट डाउन किया रहेगा तो यहाँ पे मीन ऑफ का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले ही, इसके पहले वीडियो में बताया था कि मीन ऑफ का कौन सा फॉर्म रहता है, थर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। सो आपको सिंपली करना क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग ऑफ इज एम आर, मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आपका आ जाएगा अदर ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग ऑफ इज एम आर, मीन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, अगर पैसिव वॉइस में, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले हैं अगर उन सबको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड है, कीवर्ड है, जिसको आप यूज कर लोगे और आपका मतलब एक्टिव से क्या हो जाएगा, पैसिव में कन्वर्जन हो जाएगा। सो बेसिकली करना क्या था, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमेशा पहले होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा एज इट इज, बस एक नया वर्ड आपने यूज किया क्या, बीइंग, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब का एक्टिव वॉइस में भी फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके पैसिव वॉइस में भी फर्स्ट फॉर्म होगा। मैंने अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस में हमेशा, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का हो या सिंपल का हो या परफेक्ट का हो, प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो आपको सिंपली एक वर्ड यूज करना है और वो क्या है आपका, बीन, ठीक है। जैसे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपको एक नया वर्ड यूज करना है क्या, बीन। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, बीन। देखिए एक्टिव वॉइस का रूल क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ हैज हैव मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। अब उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ हैज हैव बीन, ये आपने यहाँ पे जो नया वर्ड था हेल्पिंग ऑफ के बाद यूज किया, मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म, अदर ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये अदर ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वाला सब जगह क्या है, सेम टू सेम है। सो कुछ एग्जांपल्स लेके आप खुद ट्राई करिएगा या फिर आप क्लास में आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, ठीक है। ये था मेरा सिंपल प्रेजेंट का, एक्टिव का और पैसिव वॉइस का रूल। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंपल, सॉरी इसके बाद हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, ओके। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस किसका, पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट का, सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट का। कुछ ज़्यादा करना नहीं था इसमें, जो आपके रूल्स से पहले वाले वही सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, अगेन सब्जेक्ट मीन ऑफ का कौन सा फॉर्म आता है, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपने सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ किया था, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वॉज और वर यूज़ करना है। मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब अगर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होता है, वॉज और वर, उसमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या था, एक नया वर्ड यूज करना था, बींग, ठीक है। तो जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बींग लिखा था, सेम चीज़ क्या करना था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी करना था, ठीक है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज वर बींग मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट,
ठीक है, कुछ ज़्यादा नया करना नहीं था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या किया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है आपका, हैड आ जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको करना क्या है, वही सेम हेल्पिंग वर्ब रिपीट करना है। पहले आप एकदम सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये जो पार्ट है वो सब में क्या है, सेम है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ खेलना किधर है, आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में जो एक नया वर्ड आएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो नया वर्ड आएगा आपको बींग, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और अगर आपका परफेक्ट है तो उसमें नया वर्ड आएगा बींग। ठीक है, ओके, तो ये था आपका पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर की। सो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे एकदम लास्ट पार्ट पे, ओके ठीक है, हम अब बात करने वाले हैं फ्यूचर की और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर की और फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसके लिए सिर्फ दो ही लिए गए हैं, ओके ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर सिंपल का, बट उसका अगर आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास ऑलरेडी दिया होता है, आपके सिंपल पास्ट में और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन होता है, तो वही सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक नया वर्ड यूज़ करना है बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब शैल विल बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और इस तरह से आपका सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। परफेक्ट आया, अगेन आपको जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा वो आप यूज़ करो और एक नया वर्ड यूज़ करो, क्या, बीन। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, सब्जेक्ट शैल विल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का शैल विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब ले लो, हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद आप हैव यूज़ करोगे और बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके ठीक है, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जितने भी टेंस हैं उनके आपने क्या पढ़ लिए, एक्टिव से पैसिव के रूल्स पढ़ लिए। इसके बाद आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव का अलग रूल होता है, उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव का एक्टिव पैसिव का अलग रूल होता है, ओके ठीक है, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस का भी एक्टिव पैसिव का अलग रूल होता है। सो यहाँ पे बहुत ही मतलब ये वास्ट पार्ट है चेंज द वॉइस। ठीक है, सो बहुत टाइम लगेगा, बट शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में जानकारी दी और उसका एक्टिव से पैसिव में कैसे करना।